अब रुक करते हैं उधमपुर की ओर। हथियारों को पकड़ने की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। उधमपुर के रामनगर तहसील के धनवालत पंचायत में 3 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए रशपाल सिंह के हथियारों को पकड़कर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर सोमवार को मृतक युवक के परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने शहर पहुंचकर एसएसपी कार्यालय के बाहर रामनगर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवक की माता के अनुसार रामनगर पुलिस हथियारों को पकड़ने के बजाय बचाने का प्रयास कर रही है। दोपहर करीब 3:30 बजे ग्रामीणों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मृतक की मां ने बताया कि करीब 3 महीने पहले अचानक ही एक सुबह के समय उसका बेटा घर से बाहर निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। फिर 2 दिन बाद बेटे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नाले से बरामद हुआ। उन्हें पूरा यकीन है कि उनके बेटे की हत्या रमेश और अर्जुन नाम के युवकों ने की है। दोनों ही युवकों ने उनके बेटे को डाकघर में नौकरी दिलाने का लालच दिया था और इसके लिए रशपाल से करीब 20,000 रुपए भी लिए थे। कई महीने इंतजार के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो रशपाल ने दोनों से अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन दोनों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। मृतक की मां ने पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन अभी तक पुलिस ने तीनों के साथ सख्ती से पूछताछ नहीं की है।